हेलो माय डियर स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ दिस इज योर चैप्टर नंबर फोर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बेटा इस चैप्टर में हम एटम्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे एटम के बीच में कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है उसके बेस पर हम डिफरेंट मॉडल्स भी पढ़ेंगे जो हमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं मेरी पहले की वीडियो चैप्टर नंबर वन टू थ्री आप ज़रूर देखिएगा बिकॉज एन सी आर टी की ईच एंड एवरी लाइन की मैंने आपको एक्सप्लानीशन दी है और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो छूटा हो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं बेटा बीच बीच में से क्वेश्चन हम लर्न करते हैं उससे होता क्या है हमारे बेसिक स्ट्रांग नहीं होते और जो पार्ट हमसे छूट जाता है वहाँ पर जाकर हमें नुकसान होता है वो क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आते नहीं है जब आप थॉरोली किसी चैप्टर को पढ़ोगे तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आना है ठीक है होप फॉर द बेस्ट आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इन चैप्टर थ्री वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हमने ये तो पढ़ ही लिया था है ना कि जैसे ब्रिक्स बिल्डिंग के फंडामेंटल ब्लॉक हैं वैसे ही जो एटम्स हैं वो सारे नॉन लिविंग जितना भी मैटर है उसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो जो एग्जिस्टेंस है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर की वो तो हमें क्लियर होगी दैट इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन देम ओके नाउ द क्वेश्चन अराइज क्या क्वेश्चन बनते हैं कि क्या बनाता है एटम हाँ वट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट कि दो हमने अलग अलग एलिमेंट्स लिए हाँ क्या ऐसी चीज़ है जो दोनों एलिमेंट्स के एटम्स को डिफरेंट बताती है एटम्स में ऐसा क्या है आर एटम्स रियली इंडिविजिबल क्या सच में हम एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते जैसा कि हमें किसने बताया था डेल्टन ने और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूंट इन साइड कुछ छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स भी हैं एटम के अंदर ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आ रहे हैं या जो मैंने अभी बोले हैं उनके आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिल जाएंगे ध्यान से सुनिएगा वी शैल फाइंड आउट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स अंडरलाइन कीजिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे वेरियस मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिनको एक्सप्लेन किया गया है कि पार्टिकल्स किस तरह से एटम के अंदर अरेंज हैं अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी वॉज टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज़ वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यानि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था साइंटिस्ट के सामने नाइनटीन सेंचुरी के एंड में कि ऐटम का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं तो इस फील्ड में साइंटिस्ट ने खूब काम किया और जो उन्होंने स्ट्रक्चर एटम्स के हमें बताए दे आर बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर थे वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटांसिस जो हम ये कहते हैं बात कि एटम्स दे आर नॉट इनडिविजिबल तो ये बात हमारे सामने कब आई जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा आपको याद होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जिसमें जो चार्जेस हैं मूव नहीं करते ठीक है जैसे हम अपने कॉम्ब को रब करें बालों में हेयर्स में और फिर ट्राई uh, करें पेपर बिट्स को उठाने की विदाउट टचिंग देम तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इसका मतलब जो आपकी कॉम्ब चार्ज हुई है वो मूव नहीं कर रहे उसके चार्ज लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स uh, को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है तो ये एक हमारे पास इंडिकेशन आई थी कि एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल वो डिवाइड हो सकते हैं ठीक है आइए करते हैं फोर पॉइंट वन चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर अगर मैं बात कर रही हूँ मैटर की तो उसके बीच में मैटर यानी सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं दे आर charged फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट us कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्टिविटी 4.1 पॉइंट वन देखिए कॉम ड्राई हेयर हाँ जो मैंने अभी आपको बोला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी uh, की बात की ड्राई हेयर में कॉम कीजिए डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ये आपने बहुत बार किया होगा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है छोटे बच्चों को ये करना रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लोथ ये भी आपने एक्टिविटी की हुई है एथ क्लास में एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इनफ्लेटेड बैलून तो क्या होगा ऑब्जर्व वट हैदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज बिल्कुल ठीक है आप क्या देखोगे अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं आपस में दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज वो चीजों को या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम ये चार्ज आता कहाँ से है दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई नोइंगट एन ऐटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स माई डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इस तरह से होगा कि अगर हम ये जानते हैं कि ऐटम डिविजिबल है और इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं तभी ये पॉसिबल है मैनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रिविलिंग द प्रजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन ऐटम it was known by 1900 that the atom was not a simple individual particles but contained at least one subatomic particle 1900 में अंडरलाइन कीजिए सबसे पहले हमें यह बात तो समझ में आ गई थी कि जो एटम है वो आ, simple नहीं है हां इसके अंदर कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो जरूर प्रेजेंट है और 1900 में उस सब एटॉमिक पार्टिकल जिसकी हमने होने की आशंका जताई थी वो क्या है इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे जे थॉम्सन ये क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए आपका एमसीक्यू बन गया इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने की थी जे जे थॉम्सन ने इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड ई गोल्डस्टीन इन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम कनाल रेज ठीक है तो कनाल रेज की डिस्कवरी किसने की थी बच्चे ई गोल्स्टीन ने ठीक है और उन्होंने 1886 में ये डिस्कवरी की थी कि कुछ रेडिएशंस हैं जब गैस डिस्चार्ज होता है तो उसमें वो प्रेजेंट होती हैं और ऐसी रेज को हम बोलते हैं कनाल रेज और ये रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस हैं

जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन है इनका मैग्निट्यूड इनकी स्ट्रेंथ तो सेम थी हाँ लेकिन अपोजिट साइन थे इलेक्ट्रॉन का माइनस था और प्रोटोन का प्लस था इट्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली टू थाउजेंड टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टू थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा मास था प्रोटोन का इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटोन इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड

और माइनस वन यानी चार्ज किसके किसके ऊपर होगा इलेक्ट्रॉन पे क्लियर? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो ये बात गलत साबित हुई कि हम एटम्स को दे आर इनडिविजिबल दे आर नॉट इनडिविजिबल बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ टू सब एटोमिक पार्टिकल्स प्रोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये तो है अब तक की बात कि जितने प्रोटोन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो म्यूचुअली वो बैलेंस कर रहे हैं चार्जेस को तो एटम हमारा न्यूट्रल है इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटोन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम अब ये भी सामने आई बात कि प्रोटोन्स कहाँ हैं एटम्स के सेंटर में हैं फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स कूड ईजिली बी फील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटोन्स अब ये भी हमारे बात क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं जबकि हम प्रोटॉन्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंटर में है है ना इंटीरियर ऑफ द एटम है नो द बिग क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिज पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने डिस्कवर कर लिए किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम में वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है तो ये क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर कनाल रेज दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज हाँ हैविंग प्रोटॉन्स इन देम है ना तो ये कनाल रेस की डिस्कवरी किसने की थी ई e गोल ने की थी ओके और कब प्रोड्यूस हुई थी ये जब गैस डिस्चार्ज हुआ था दे कंटेन कनाल रेज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ओके

वो डिस्ट्रक्टिबल भी नहीं है उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी जो हुई एटम के इन अंदर उसने फेल कर दिया किसको को डेल्टन अटोमिक थ्योरी को तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया कि डेल्टन अटोमिक थ्योरी जो है वो आगे चलकर सक्सेसफुल क्यों हुई नहीं हुई क्यों नहीं हुई फेलियर के क्या रीजन थे तो आप बच्चे फटाफट अपना पेन उठा के लिख दीजिए कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमें दिया गया था पॉस्टुलेट में कि एटम वाज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल वेयर एज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इट इज फाइनली डिस्कवर्ड दैट टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम्स सो इट इज डिविजिबल ओके नो इट वॉज देन कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स आर अरेंज विद एन एटम अब साइंटिस्ट तो कभी काम करना बंद नहीं ना करते इस डिस्कवरी के बाद उनको क्या लगा कि आओ देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते कहाँ हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का तो चलो हम भी पढ़ते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस अटोमिक मॉडल्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अटोमिक मॉडल दिए ओके जे जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने हमें स्ट्रक्चर uh, दिया एटम का वो था बेटा जे जे थॉमसन ठीक है अब एग्जाम में आपको कौन सा स्ट्रक्चर डिटेल में आ सकता है किसके पॉस्टुलेट्स आ सकते हैं किसके फेलियर का रीजन आ सकता है किसके ड्रॉबैक्स आ सकते हैं गॉड नोस तो आपने क्या करना है हर चीज को इंपॉर्टेंट समझकर ही सुनना है और समझना है क्लियर नेक्स्ट इज फोर पॉइंट टू पॉइंट वन थॉम्स मॉडल ऑफ एन एटम आइए इसके बारे में पढ़ते हैं थॉम्सन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन ऐटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ पुडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक क्यूरेंट्स ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वॉटर मेलन आपने बेटा तरबूज खाया होगा है ना जितना लाल रंग लाल एरिया होता है ना तरबूज का जो हम खाते हैं उसमें थोम्पसन ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे स्वेयर में है है ना पूरे रेड पार्ट में है समझने के लिए आपको बताया हुआ है वाटर मेलन का एग्जाम्पल दिया हुआ है एटम की जगह जबकि उसने इलेक्ट्रॉनस को बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहीं कहीं हैं बीच में लाइक द सीड्स इन द वॉटर मेलन जैसे वाटर मेलन में बीज होते हैं ये फिगर आप देखिए पॉजिटिव स्फेयर हमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताता है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सीड से कंपेयर किए हैं जो कि कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें पूरा स्फेयर पॉजिटिव चार्ज को दिखाता है और इसके बीच में जो आपको नेगेटिव uh, साइन दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन का वो कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स हैं स्फेयर के अंदर ठीक है दिस इज़ द मॉडल ऑफ एन एटम गिवन बाय थॉमसन्स तो पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चर निकल कर आया एटम का वो इस टाइप का था क्लियर आइए हम पढ़ते हैं थोड़ी सी जानकारी लेंगे जे जे थॉमसन के बारे में ये ब्रिटिश फिजिक्स थे हाँ इनका जन्म हुआ था चितंबम हिल में सुपर्ब सुपर्ब ऑफ मैनचेस्टर में 18 दिसंबर 1856 में उनको अवार्ड भी मिला हुआ है नोबल प्राइज़ फिजिक्स में 1906 में उन्होंने डिस्कवरी की थी uh, काम किया था ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डायरेक्टेड द कवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 फाइव ईयर्स तक एंड सेवन ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली वन नोबल प्राइजेस हाँ उसके साथ साथियों को भी जॉ थॉमसन के नोबल प्राइज मिला था आइए थॉम्पस के जो पॉस्टुलेट्स हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है वो देख लेते हैं क्या दिया उसने थॉमसन कहता है एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट याद कर लो फटाफट से दूसरी बात उसने क्या बोली द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑल थेन्न दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल द रिजल्टेंड बाई दिस मॉडल एज वी विल सी बिलो तो आगे चल के देखते हैं क्या कमी रह गई थी थॉम्सन में जो कि पूरी की किसने रूदर फोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम में अब हमारे पास साइंटिस्ट आया अर्नेस्ट रूदर फोर्ट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हैं एटम के अंदर तो रूदर जो एक ग्रेट साइंटिस्ट रहा है उन्होंने ये बात साफ साफ डिज़ाइन कर डाली एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को जानने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स को उन्होंने यूज़ किया ठीक है तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो उन्होंने यूज़ किया दे वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल ठीक है दे आर आर पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली पार्टिकल्सिटि उन अल्फा पार्टिकल्स को किसके साथ स्ट्राइक करवाया बेटा थिन गोल्ड फॉइल के साथ ठीक है तो ये एक्सपेरिमेंट आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है तो जब एक्सपेरिमेंट आए आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो आपने ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं ठीक है थीके? कई बार बच्चों को यही पता नहीं चलता कि पॉइंट्स कैसे आंसर में लिखने हैं हमने रूदर की ऑब्जर्वेशन में लिखने हैं या उसके कंक्लूजन में लिखने हैं या फिर उसके ड्रॉबैक्स में लिखने हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझाया जा रहा है ध्यान से सुनेंगे सबसे पहले वट ही डू ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वॉन्टेड एज अ थिन लेयर एज पॉसिबल इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों चूज़ की क्योंकि बेटा गोल्ड जो है मेटल आपका ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल है ठीक है इसको हम थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं तो जो गोल्ड फॉइल ली है ये बहुत थिन होने के कारण ही एक्सपेरिमेंट में यूज़ की गई है दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट वन थाउजेंड एटम्स थिक इसके अंदर कितने एटम्स हैं वन थाउजेंड और एटम्स की जो रेडियाई होती है ना बेटा नैनोमीटर में होती है इतनी छोटी होती है हम उसको नेक डाई से देख ही सकते अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस ओके

सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटोन्स अब प्रोटोन से तो ज़्यादा है ना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स पे क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा डबली चार्ज ही तो ज्यादा चार्ज होने के कारण हैवी होने के कारण अल्फ़ा पार्टिकल प्रोटोन से हैवी हैं ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस तो वो ये नहीं चाह रहा था कि मुझे इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शंस नहीं मिलेंगी ठीक है बहुत कम डिफ्लेक्शंस मिलेंगी लेकिन चलिए देखते हैं होता क्या है ये स्ट्रक्चर है बेटा स्ट्रक्चर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ गोल्ड फॉइल पे उसने स्कैटर किया हा किसको अल्फा पार्टिकल्स को किसके ऊपर गोल्ड फॉइल के ऊपर तो ये गोल्ड के एटम्स आपको सर्कल्स में दिखाए हैं ठीक है और हर एटम के सेंटर में डॉट लगा हुआ है ये भी बाद में जाके पता चलेगा कि सेंटर में क्या होता है और अल्फा पार्टिकल्स देखो किसी किसी एरिया में तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं है ना बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं और किसी किसी एरिया में वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ठीक है जहाँ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आप देखिए सेंटर में पॉइंट पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं जहाँ पे सेंटर पे डॉट बना है ना वहाँ से डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं ठीक है ध्यान से देखिएगा आप और कहीं पर तो जहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जाके रीबाउंड हो रहे हैं रीबाउंड यानी उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे हैं कहीं पे बहुत कम डिफ्लेक्शन है कहीं ज्यादा डिफ्लेक्शन है कहीं पे तो रीबाउंड हो रहे हैं तो ऐसी ऑब्जर्वेशन मिली किसको Rutherford को रूदर फोल्ड को बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हैव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये ऑब्जर्वेशंस क्या थी फटाफट से करेंगे तीनों ऑब्जर्वेशन को आप याद कर लोगे मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल सीधे चले गए सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स छोटे छोटे एंगल्स में डिफ्लेक्ट हुए सरप्राइजिंग हैरानी वाली बात ये थी कि ट्वेल्व थाउजेंड अल्फ़ा पार्टिकल्स में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो रीबाउंड हो रहा था यानी जिस रास्ते से गया उसी से वापस आ गया इन द अदर वर्ड्स ऑफ रूदरफोल्ड दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ फिफ्टीन इंचू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू ये जो रीबाउंड होना था वो इतना स्ट्रोंग था कि वो कहता है कि इफ यू फायर अ फिफ्टीन इंच शेल एट अ पीस एक टिश्यू पेपर पर फायर करते हो वो आपके पास बैक आता है और आपको हिट करता है मतलब इतनी स्ट्रोंग थी रिबाउंडेशन ओके रूदरफोल्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है उन्होंने स्प्रिंग ग्रोव थर्टी अगस्त को पैदा हुए हैं एटीन सेवेंटी वन में फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है उनको अंडरलाइन कीजिए ये बॉक्सेस में कभी नहीं छुड़वाती क्यों नहीं छुड़वाती क्योंकि यहाँ से हमें जो नॉलेज मिलती है ना वो आपके एग्जाम्स में आती है ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स तो आपका एक क्वेश्चन बन गया हु 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 द द इज इज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स दैट इज रूदर फोल्ड क्योंकि न्यूक्लियस की खोज करने वाले भी यही महान साइंटिस्ट थे ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ही गॉट द नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री नाइनटीन हंड्रेड एट केमिस्ट्री में बेटा इनको नोबल प्राइज मिला है कब मिला है 1908 ये डेट आप याद कर लोगे लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विद इज आईज क्लोज लेट हिम थ्रो स्टोन एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस वो कहते हैं एक बच्चे के हाथ में दे दो दीवार के सामने बच्चे को खड़ा करके उसकी आंखें बंद कर दो उसके हाथ में ना बॉल दे दो ठीक है या पत्थर दे दो और उसे बोलो कि इन पत्थरों को उस दीवार पर एक डिस्टेंस से मारे ही विल विलयर अ साउंड वेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल वो उसकी आवाज़ सुनेगा जब हर एक पत्थर वॉल को स्ट्राइक करेगा इफ ही रिपीट दिस टेन टाइम्स ही विल हेयर द साउंड टेन टाइम्स दस बार उसको वो साउंड सुनाई देगी बट इफ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन एट अ बाब्ड वायर फेंस मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हर्ड वो कहता है कि अगर ऐसे ही एक बच्चे को जिसकी आँखें जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है उसको ठीक है ब्लाइंड फोल्डेड पट्टी बांधी हुई है आंखों पर उसको अगर आप कहोगे ना कि दीवार की जगह अगर आप किसी बाब्ड वायर फेंस जिसमें तारे लगी होती हैं ना ऐसी फेंसिंग को बाउंड्रिंग को जिसमें वायरस यूज की जाती हैं बीच में गैप भी होते हैं उसमें स्टोन्स अगर वो हिट करता है तो उसको जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देगी नो साउंड वुड बी हर्ड दिस इज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू देम ठीक है फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखो रूदर फोल्ड ने अपने मॉडल के साथ इस बच्चे का दिया है उस मॉडल में भी सेम ऐसे हुआ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं कुछ तो सीधा ही चले गए जैसे कि दो वायर्स में से बीच में से स्टोन निकल रहा हो वैसे ही Uh, उसने कंपेयर किया हुआ इन दोनों चीज़ों को तो फाइनली सिमिलर रीजनिंग के साथ रूदरफोल्ड कंक्लूजन पे पहुंचे फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से अब इनका कंक्लूजन ये आपने पेपर में लिखना है पहले मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवाया फिर तीन ऑब्जरवेशंस करवाई अब ये हम करेंगे कंक्लूजन मोस्ट ऑफ द स्पेस इन साइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड अब ये बात सामने आई कि बहुत सारे स्पेसिस जो हैं वो एम हैं वहाँ पर ना कुछ कुछ भी नहीं है कोई सब अटोमिक पार्टिकल नहीं है ना प्रोटोन है ना इलेक्ट्रॉन है क्लियर सेकेंड कंक्लूजन था वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑकुपाइज वेरी लिटिल स्पेस वो कहता है कि बहुत थोड़े से पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए वापस आए इंडिकेटिंग ये बताते हैं वो हमें उनकी डिफ्लेक्शन हमें ये बताती है कि पॉजिटिव चार्ज एटम में बहुत थोड़ा थोड़ी सी स्पेस पर है ठीक है जो हमें फ्यू डिफ्लेक्शंस फ्यू पार्टिकल से मिली इसका मतलब उनका इनकाउंटर थोड़े से प्रोटोन्स के साथ हुआ तो ये बात भी क्लियर होगी कि प्रोटोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है किसी पर्टिकुलर स्पेस पे हैं नाउ थर्ड कंक्लूजन उसने ये निकाला कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाई वन एटी डिग्री जो रिबाउंड हुए उनका तो नंबर ही बहुत कम है इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड ऐटम वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम वो कहता है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ठीक है और जो गोल्ड ऐटम का जितना भी मास है है ना वो कहाँ पर है वो एक बहुत छोटी सी जगह पर है जो एटम के बीच में ही है फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट टेन रेज टू पावर फाइव टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम उसने न्यूक्लियस की रेडियस भी पता कर ली रूदर फोर्ड ने कि न्यूक्लियस की रेडियस टेन रेज टू पावर फाइव टाइम्स कम है जितनी पूरे एटम की रेडियस है उससे सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन ऐटम अब जो आपको मॉडल दिया है रुदरफोर्ड ने वो कैसा है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन ऐटम ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में हु गेव द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन ऐटम हाँ सो आंसर इज अर्नेस्ट रुदरफोर्ड क्लियर अब आप इसके फीचर्स और जो पॉस्टुलेट्स हैं वो अगर आपको पेपर में आता है व्हाट आर द फीचर्स व्हाट आर द पोस्टुलेट्स व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूदर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम तो आप ये थ्री पॉइंट्स लिखोगे क्लियर जो मैं बेटा बोल रही हूँ वो आप क्वेश्चन लिखते जाओ अदरवाइज आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे और आंसर्स भी अपनी बुक में मार्क करते जाओ देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस आपके जो एटम में पॉजिटिवली चार्ज है वो कहाँ पर है सेंटर में और उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी क्लियर हो गया अनेस्ट रूदरफोल्ड ने नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम इन द न्यूक्लियस सारा का सारा मास किस में है न्यूक्लियस में द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ अब ये उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं सर्कुलर पाथ में घूमते हैं क्या बोला सर्कुलर पाथ यही बहुत बड़ी गलती थी जो रूदरफोल्ड कर गया जिसके कारण से ये मॉडल फेल हो गया अदरवाइज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो बेस्ट सबसे ज़्यादा काम किया है जिस साइंटिस्ट ने वो रूदरफोर्ड ने किया है इतना आगे चलकर किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया इसी के बेस पर साइंटिस्ट ने अपनी नई जो एडिशन की है सिर्फ और सिर्फ रूदरफोर्ड मॉडल के बेस पर ही उन्होंने सारी डिस्कवरीज़ की तो यही गलती थी रूदरफोर्ड की कि उन्होंने जो पाथ दिया इलेक्ट्रॉन का वो सर्कुलर पाथ दिया जिसकी वजह से ये मॉडल फेल हो गया ना थर्ड इज़ द साइज ऑफ़ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ़ द एटम तो ये बेटा फीचर्स थे रुदरफोर मॉडल के जो आप लर्न कर लोगे ठीक है न्यूक्लियस का साइज़ भी उन्होंने बहुत कम बताया एज कंपेयर टू एटम सारी सारी बातें बिल्कुल सही हैं आज भी फॉलो की जाती हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज इसमें गड़बड़ हो गई जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के जो पात हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर बता दिया ओके नौ नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ रूदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम ये क्वेश्चन तो आपको नाइन्थ में आता ही आता है यूनिट टेस्ट में आएगा टर्मिनल्स में आएगा हाफ एयरलीस में आएगा और आपके फाइनल्स में आएगा तो इस क्वेश्चन को तो आपने करना ही करना है बिना सोचे समझे ठीक है वॉट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रूदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन ऐटम जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में बताया है ना एंड दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल जब भी हम ये बात करते हैं कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो स्टेबल नहीं होती क्यों हमें मालूम है कि कोई भी पार्टिकल है जब सर्कुलर ऑर्बिट में होता है तो दैट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में जाता है क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी और एक्सेलरेशन के चलते जितने भी पार्टिकल्स हैं जो एक्सेलरेट हो रहे हैं वो एनर्जी रेडिएट करेंगे दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी और फाइनली वो किस में गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो अगर ऐसा होता तो क्या एटम हाईली अनस्टेबल होता है ना एंड हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो इस तरह से हमें मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल क्योंकि हमें मालूम है एटम्स कैसे होते हैं स्टेबल होते हैं ठीक है तो जो पाथ है सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन्स का वही ड्रॉबैक बना रूदर फोर मॉडल ऑफ द एटम का आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट जो महान साइंटिस्ट थे जो आज तक जिसका मॉडल फॉलो कर रहे हैं हम लोग ही वॉज बोहर्स ओके बोहर साइंटिस्ट था जिसने हमें मॉडल दिया एटम का सारा काम तो रुदरफोल्ड ने कर दिया था नील्स बोहर ने क्या किया कुछ ऐड कर पॉस्टुलेट, फीचर आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम नंबर वन ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इन साइड द एटम क्या कहता है बोहर कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट हैं ठीक है जिनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रास्ता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का वो स्पेशल ऑर्बिट्स हैं वो हर एटम के अंदर होती हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं सेकेंडली वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी वो अपने ऑर्बिट्स और डिस्क जिसको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोल रहे हैं पाथ है जो इलेक्ट्रॉन्स का उसमें रिवॉल्व होते हुए कोई भी एनर्जी किसी भी तरह की एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट नहीं करते लूज नहीं करते ओके okay? अब थोड़ी सी जानकारी ले, ले लेते हैं नील्स बोहर के बारे में इनका जन्म हुआ एटीन में और डेथ इनकी नाइनटीन में हुई है ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कॉपन यूनिवर्सिटी इन नाइनटीन सिक्सटीन उनको भी नोबल प्राइज़ मिला है उनके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के काम के लिए नाइनटीन टू ट्वेंटी टू में क्योंकि उनका जो मॉडल है वो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं अमंग प्रोफेसर बोहर्स न्यूमरस राइटिंग्स थ्री अपेयरिंग एज बुक्स आर तीन जो उनकी राइटिंग्स थी जो उन्होंने खुद लिखी हैं द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड अटोमिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड अटोमिक थ्योरी एंड थर्ड वन इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जिसके आपने क्वेश्चन बनाने हैं और लर्न भी करने हैं ठीक है थीके? कोई भी बच्चा इन बॉक्सेस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेगा दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स इनको एनर्जी लेवल्स कहा गया जिस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स की जो बात कर रही है बोहर मॉडल ने की है इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को जो इलेक्ट्रॉन्स के पात हैं इनको एनर्जी लेवल्स कहा गया बेटा एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन फिगर फोर पॉइंट थ्री में देखिए फ्यू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम फ्यू यानी कंप्लीट नहीं दिखाए हैं इसमें सेंटर में न्यूक्लियस हैं आप जानते हैं फर्स्ट डिस्क्रीट ऑर्बिट को बोला है के शेल ओके एन इज इक्वल टू वन और सेकेंड वाले को एल शेल थर्ड को एम शेल एंड फोर्थ को एन शेल दीज ऑर्बिट्स आर शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई लेटर्स के एल एम एन और the numbers one two three four okay आप ऐसे भी बोल सकते हो shell number one और आप ऐसे भी बोल सकते हो K shell अब next देखिए questions हैं यहाँ पर on the basis of Thomson's model of an atom explain how the atom is neutral as a whole वो इसलिए कि number of protons and number of electrons present in an atom they are equal इसलिए जो आपका एटम है दैट इज़ न्यूट्रल एज अ होल ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ने ये चीज़ नहीं बताई थी थॉमसन मॉडल ने तो सीधा सीधा ये चीज़ बोली थी कि जितना मैग्नीट्यूड होता है ना प्रोटोन्स का उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का होता है और उनके अपोजिट साइन होते हैं इसलिए न्यूट्रल होता है तो ये वाला रीज़न आप लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल बोला है ना तब तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की खोज ही नहीं हुई थी है ना तो आप उस आ, इस आंसर में क्या लिखोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल बट दे हैव अपोजिट साइंस सो द एटम इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल एज अ होल ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ रूदर फोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब अटोमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट इज प्रोटोन ओके नाउ ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम विद थ्री शेल्स अभी फोर पॉइंट थ्री में आपको बना बनाया है इसे कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट यूजिंग अ फॉइल और अ मेटल अदर देन गोल्ड तो हमें इतना थिन गोल्ड फॉइल नहीं मिलती जिससे कि हम उनको स्ट्राइक uh, करवाते जब अल्फा पार्टिकल्स तो हमें ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते वी नीड अ थि फॉइल ओके दिस इज द रीजन न फोर पॉइंट टू पॉइंट फोर न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे अगेन वेरी इंटरेस्टिंग में बेटा अंडरलाइन करिए जे चैडविक जे चैडविक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने डिस्कवर किया एक और अनदर यानी तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था एंड अ मास दैट ऑफ अ प्रोटोन के मास के बराबर ठीक है बिल्कुल इक्वल नहीं लिखा है नियरली इक्वल लिखा है इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है मास का प्रोटोन और न्यूट्रॉन में इट वॉज इवेंचुअली एज न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल हैं कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रॉन नाम है और साइंटिस्ट जो ढूंढने वाला है जे चैडविक है और एयर कौन सा है 1932 इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन स्मॉल एन द मास ऑफ एन एटम इज देयर फॉर गिवन बाय द अंडरलाइन कीजिए डिफाइन मास ऑफ एन एटम ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे आंसर है अंडरलाइन कीजिए द मास ऑफ एन एटम इज देयर फॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासीज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ओके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं अगर हम उनको एडअप करते हैं तो हमें पूरे ऐटम का मास मिल जाएगा मास में इलेक्ट्रॉन्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लियर क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटोन्स दे आर इक्वल इन नंबर ओके okay, तो मास जब भी हम लेंगे न्यूक्लियस की बात करेंगे और जब भी न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ठीक है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन हैं नेम द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन हीलियम एटम हैज एन एटोमिक मास फोर म्यू एंड टू प्रोटोन्स इन इट्स न्यूक्लियस तो फोर में से अगर आप टू प्रोटोन्स को माइनस कर लोगे यानी टोटल मास में से आप टू प्रोटॉन्स को निकाल लोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने बच जाएंगे टू ओके तो इट हैज टू न्यूट्रॉन्स नेक्स्ट फोर पॉइंट थ्री हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी मतलब हमें पता चल गया उनके ऑर्बिट्स का शेल्स का लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आएंगे आइए इसके बारे में इसकी अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं और इसकी अरेंजमेंट हमें दी थी किसने बोहर एंड बरी ने अंडरलाइन कीजिए द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड एंड राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय किसने दिया सबसे ज्यादा जो शेल है टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हमें एन क्या है इसमें ऑर्बिट का नंबर जैसे फर्स्ट शेल है तो उसमें एन वन है है ना वन का स्क्वायर कितना हुआ वन तो वन इंटू टू यानी टू तो टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल में इसी तरह से आप एन की पावर जो वैल्यू है लिखते जाइए जैसे सपोज करो कि आपका है ऑर्बिट सेकंड यानी एन की वैल्यू टू है तो टू टू ज़ा फोर है ना तो टू टू ज़ा फोर और साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है टू को फोर फोर टू जट तो कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके सेकेंड वाले में एट क्लियर तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है टू एन स्क्वायर ये हमें दे दिया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आएंगे शेल्स में क्लियर तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम शेल्स की फिलिंग करेंगे सेकेंड देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज आप इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर सकते उसमें फिल नहीं होंगी स्टेप वाइज मैनर में शेल्स को फिल किया जाता है अटोमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट एटीन एलिमेंट इज शोन स्कीमेटिकली इन फिगर फोर पॉइंट फोर ये देखिए इस तरह से क्लियर इस तरह से इनकी फिलिंग होगी फर्स्ट एटीन एलिमेंट्स की फर्स्ट में देखिए देखिए लास्ट वाला आर्गन फर्स्ट में देखिए न्यूक्लियस के बाहर जो मैं लास्ट वाली फिगर की बात कर रही हूँ जहां ए आर लिखा है नीचे आर्गन का ठीक है सेंटर में न्यूक्लियस है फर्स्ट में टू इलेक्ट्रॉनस है उसके बाद सेकंड में एट है और लास्ट वाले में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये आपको दिखाई दे रहा होगा तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं ये फर्स्ट एटीन एलिमेंट्स का आपको दिया हुआ है इसमें आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग और भी इसमें फिलिंग कर सकते हो लेवल्स में नाउ राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स ठीक है तो कार्बन में भी आप लिख सकते हो सिक्स एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी फर्स्ट में टू आएंगे देन सिक्स uh, होता है तो फोर बचे तो आउटर मोस्ट शेल में यानी सेकेंड एन इज इक्वल टू टू में आएंगे फोर है ना आउटर मोस्ट में फोर आ जाएंगे तो टोटल कंप्लीट हो गए फोर प्लस टू सिक्स सोडियम की इलेवन होती है एटॉमिक नंबर तो कैसे आएगा ये टू एट वन ओके फर्स्ट में टू इलेक्ट्रॉन्स then eight electrons, then one. now if K and L shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? अगर K full है first वाला, L भी full है है ना second वाला, तो total number कितना हुआ? eight plus two, ten. तो ten electrons होंगे atom में. now valency, very important part of this chapter. ध्यान से सुनेंगे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है और बहुत problem होती है फिर. वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर इन डिफरेंट ये तो हमने पढ़ लिया द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट शेल में उनको हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ठीक है पहली बात अंडरलाइन कीजिए वॉट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन आउटर मोस्ट यानी लास्ट शेल ऑफ एन एटम ओके

इन अदर वर्ड्स दियर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वेलेंसी इज ज़ीरो अंडरलाइन दिस कौन से आइटम हैं जिनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी केमिकल्स में कैमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने का जो उनकी कैपेसिटी है पार है वो ज़ीरो कब होती है जब उनके आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं जैसे मैं आपको बोलूँ हाँ नियॉन का टेन है न तो टू पहले मैं एट बाद में तो तो है 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 ना eight के eight है उसमें तो उसकी उसकी या फिर हम क्योंकि ही नहीं ओके ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स इनको इनर्ट एलिमेंट्स भी बोला जाता है अब का देखिए ये पूरा टेबल है बेटा इसमें आपको एलिमेंट के नाम के साथ सिंबल एटॉमिक नंबर कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं शेल्स में कैसे फिलिंग होनी है वैलेंसी कितनी है सब कुछ दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट ये सबको लर्न होना चाहिए इसका चार्ट बना के आप स्टडी टेबल के आगे लगा लीजिए हीलियम में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में और अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एटम्स की दूसरे एलिमेंट्स के कंपेयर में दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म द सेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वॉज दस एक्सप्लेन एज एन अटेम्प टू अटेन अ फुली फिल्ड ऑटरमोस्ट शेल हमेशा हर एक आइटम अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है वो नहीं चाहता कि मेरा आउटरमोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट रहे उसके लिए वो सब कुछ करेगा अगर कम है तो दूसरे से लेगा ज्यादा है एक्स्ट्रा है जो उसको अनस्टेबल बना रहा है तो वो उसको दे देगा ठीक है तो

ले दे सकता है ठीक है दो भी दे सकता है दो ले भी सकता है डिपेंड करता है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड लॉस्ट और शेयर्ड एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल गिव्स अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट यही डेफिनेशन है वेलेंसी की ओके okay? ध्यान से सुनेंगे अंडरलाइन कीजिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड लॉस्ट और शेयर्ड

या तो वो लूज करेगा है ना तभी स्टेबल होगा सो दे आर सेट टू हैव वैलेंसी ऑफ वन तो एक लूज किया है वैलेंसी कितनी है वन कैन यू टेल वॉट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड अल्मीनियम मैग्नीशियम का टॉमिक नंबर होता है बेटा ट्वेल्व और अल्मीनियम का होता है थर्टीन मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं टू अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स वो आराम इजीली दे देगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी प्लस टू क्योंकि दिया है इसने और एल्युमिनियम जो है इसके पास क्या है ियम के पास लास्ट में एटॉमिक नंबर इसका थर्टीन है तो इसके लास्ट वाले शेल में थ्री हैं तो ये भी अपने थ्री जो है वो दे देगा इसकी थ्री पॉजिटिव वैलेंसी हो जाएगी जब लेता है ना कोई एटम तो वहां पे माइनस का साइन आता है और अगर लूज करता है तो वहां पे प्लस का आता है ध्यान रखना है इस बात का इट इज टू और थ्री रेस्पेक्टिवली बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड एलुनियम हैज़

एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है इंस्टेड ऑफ लूजिंग सेवन इलेक्ट्रॉन्स कि वो सात इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे तो बेस्ट है कि वो एक किसी से ले ले इट वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सेवन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट एंड दिस गिव्स यू वैलेंसी ऑफ वन फॉर फ्लोरिन अब एक लिया है तो फटाफट फड़ बता दो क्या आएगी इसकी वैलेंसी माइनस वन ओके वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन वट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन तो बेटा ऑक्सीजन का है एट अटोमिक नंबर है इसका तो क्या बनेगा इसकी टू सिक्स है ना तो लास्ट वाले में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अब इसको कितने चाहिए एट बनाने के लिए टू अब ये लेगा ना तो इसका साइन क्या आएगा माइनस तो माइनस टू है वेलेंसी ऑक्सीजन की वेरी सिंपल अगर नहीं समझ में आया है पीछे जाकर फिर से मुझे सुनिए आपको समझ आ जाएगा देयर फॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ अ डेफिनेट कम्बाइनिंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं वेलेंसी वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट एटीन एलिमेंट इज गिवन इन द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल फोर पॉइंट वन जो मैंने आपको बताया था जो आपको लर्न करना है क्वेश्चन हाउ विल यू फाइंड द वेलेंसी ऑफ क्लोरिन सल्फर एंड मैग्नीशियम फटाफट से अटोमिक नंबर लिखिए आउटर मोस्ट शेल देखिए क्या ईजी रहता है उसको लूज गेन या शेयर करने का उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वेलेंसी निकाल सकते हो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटोमिक नंबर एंड मास नंबर वेरी इंपॉर्टेंट अटोमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटोन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एटम में प्रेजेंट हैं उनको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं तो एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला फटाफट लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और और यानी एक ही बात है और का मतलब एंड नहीं होता और का मतलब होता है या या तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सेम होते हैं एक न्यूट्रल एटम में ओके okay? तो लास्ट की लाइन अंडरलाइन कीजिए द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इससे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि न्यूक्लियस में जितने प्रोटोन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये हमने इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं लिखे कि बाई चांस आप कहो कि जब कंबाइंड फॉर्म में है एटम उसने लूज कर दिया गेन कर दिया तो वो चीज़ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना तो कन्फ्यूजन ना हो आपको इसलिए इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस में लो आप तो वो दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ओके देन मास नंबर की अगर हम बात करेंगे पहले ही समझा चुकी हूँ मास नंबर क्या है न्यूक्लियस के अंदर अभी अभी मैंने रूदर फोल्ड करवाया ना आपको मॉडल तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको अगर हम सम करते हैं उनका तो हमारे पास उस एटम का मास आ जाता है तो अंडरलाइन कीजिए मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल मास ऑफ कार्बन इज ट्वेल्व म्यू बिकॉज इट हैज सिक्स प्रोटॉन्स एंड सिक्स न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में है सिमिलरली द मासम ट्वेंटी सेवन इज थर्टीन प्रोटोन है फोर्टीन न्यूट्रॉन्स हैं प्लस करके ट्वेंटी सेवन आ जाएगा

हमेशा याद रखिएगा मास नंबर ऊपर आता है एलिमेंट के जो जो भी सिम्बल लिए मान लो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का सिंबल ओ लिया हमने ऑक्सीजन का जो मास है वो उसके ऊपर आएगा और उसका जो एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का एट वो नीचे लिखा जाएगा ओके यहाँ पर नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया आपको नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर है सेवन यानी नंबर ऑफ प्र, प्रोटोन्स कितने हैं सेवन और मास नंबर क्या है यानी नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स फोर्टीन ओके okay? तो अगर मैं बोलूँ इसके न्यूट्रॉन्स कितने हुए वो भी सेवन होंगे प्रोटोन्स भी सेवन होंगे तभी उनका सम फोर्टीन आया है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऐटम इज एट एंड नंबर ऑफ इज ऑल्सो एट देन वट इज द अटोमिक नंबर ऑफ द एटम एट इज द आंसर वट इज द चार्ज ऑन एन एटम चार्ज क्या होगा उसके ऊपर न्यूट्रल होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट साइन होता है नंबर सेम है तो न्यूट्रल होगा एटम ओके आई होप कि आपको आंसर समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू विद द हेल्प ऑफ टेबल फोर पॉइंट वन फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम तो मास नंबर फाइंड आउट करना है आप टेबल पे देखिए ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूट्रॉन्स कितने हैं ऐड कीजिए आपको मास नंबर मिल जाएगा इसी तरह से सल्फर का भी नेक्स्ट इज आइसोटोप अब हमारे पास दो ही टॉपिक रह गए हैं वट आर आइसोटॉप वर आइसो बार्स और उनकी एप्लीकेशन इन नेचर अ नंबर नंबर ऑफ ऑफ एटम्स सम एलिमेंट्स हैव हैव बीन आइडेंटिफाइड द सेम बट डिफरेंट ने नंबर हम देखने में आया है नेचर में कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका अटोमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनके मास डिफरेंट होते हैं तो यानी न्यूट्रॉन्स अलग हुए फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इट हैज थ्री अटोमिक स्पीशीज तीन अटोमिक स्पीशीज हैं प्रोटियम ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम तीनों के केस में मास देखिए डिफरेंट है अपर साइड देखेंगे वन टू और थ्री लेकिन अटोमिक नंबर सेम है नीचे देखेंगे सिंबल के वन वन एंड वन दटोमिक नंबर ऑफ ईच वन इज वन बट द मास नंबर इज वन टू एंड थ्री तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन के तीन केस बताए कार्बन के भी सेम ऐसे हैं अटोमिक नंबर सेम है सिक्स सिक्स लेकिन मास डिफरेंट है ट्वेल्व एंड फोर्टीन के केस में अटोमिक नंबर 17, सेवनटीन सेम है लेकिन मास डिफरेंट है इस केस में बेटा जब सेम अटोमिक नंबर हो और डिफरेंट अटोमिक मास हो तो उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स ओके दीज आर द स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट इनको हम आइसोटोप बोलते हैं इन द स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ अटोमिक नंबर बट डिफरेंट अटोमिक मासस दे आर नोन एज आइसोटोप्स ओके अब नेक्स्ट है आपका मेनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अर आइसोटोप्स ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज प्योअर सबस्टांस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देअर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ये अंडरलाइन कीजिए यह भी डिफरेंस में आ जाएगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोटोप्स की वो सेम होती हैं लेकिन देखने में फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी ये डिफरेंट होती हैं क्लोरीन जैसे नेचर में एग्जिस्ट करता है टू आइसोटोप हैं इसके है ना अलग अलग मास हैं थर्टी फाइव म्यूअर थर्टी सेवन इन द रेशियो थ्रीज टू वन अब क्वेश्चन है व्हाट शुड वी टेक द मास ऑफ क्लोरीन एटम तो हमें क्या कौन सा मास क्लोरीन का लेना चाहिए तो केमिकली तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी बट फिजिकली डिफरेंट होंगी द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट तो हम एवरेज लेंगे इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप अगर किसी एलिमेंट के कोई आइसोटोप नहीं है तब तो मास उसका एटम का क्लियर है सम ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन लेकिन एलिमेंट के आइसोटोप भी नेचर में हैं तो हम क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म एंड देन एवरेज मास उसका कैलकुलेट करेंगे फॉर एग्जाम्पल क्लोरिन के केस में हमारे पास आइसोटोप हैं दो तो हम क्या करेंगे देखिए कैसे एवरेज एटोमिक मास निकाला है सेवेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड किया हमने है ना और एक में ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड किया ठीक है तो यहाँ पर हमारा थर्टी फाइव वाले का भी निकल आया थर्टी सेवन वाले का भी निकल आया तो इस तरह से आप जो है एवरेज मास निकाल सकते हो ठीक है अब नेक्स्ट इज़ दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरिन फ्रैक्शनल मास ऑफ थर्टी फाइव पॉइंट फाइव वो कह रहा है कि इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने जो ये वैल्यू निकाली है थर्टी पॉइंट फाइव हाँ ये फ्रैक्शनल मास वन एटम का है क्लोरीन का ये एवरेज मास है इट मींस दैट इफ यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एंड अगर आप कोई क्लोरीन ले रहे हो तो उसमें दोनों आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं जिनका एवरेज मास थर्टी फाइव पॉइंट फाइव म्यू है ओके नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आइसोटोप्स यूज होते हैं ध्यान से सुनेंगे आइसोटोप यूरेनियम यूज होता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है आयोडीन का आइसोटोप ग्वाइटर जो आयोडीन की कमी से होती है डिजीज़ उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है तो ये भी आपने एप्लीकेशंस लर्न करनी है नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक आइसोबार्स फोर पॉइंट सिक्स पॉइंट वन आइसोबार्स क्या होते हैं थोड़ा सा अपोजिट है ये आइसोटोप से यहाँ पर हम बात करेंगे सेम मास की और अटोमिक नंबर डिफरेंट लेंगे जैसे कैल्शियम है इसका अटोमिक नंबर ट्वेंटी है आर्गन का अटोमिक नंबर एटीन है लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स के मास सेम है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज फोर्टी आर्गन का भी और जो दूसरा हमने कैल्शियम लिया है उसका भी दोनों का मास फोर्टी है लेकिन अटोमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है कैल्शियम का ट्वेंटी है और आर्गन का एटीन है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस स्पेयर ऑफ एलिमेंट्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर दे आर नोन एज आइसोबार्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर अच्छे से फॉर द सिंबल एच डी टी टेबलेट थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ दैम तो प्रोटोन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की गई है यहाँ पे राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार वो आपकी चॉइस है आप किसी का भी चूज करके लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ओके यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी शेल्स आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा वट यू हैव लर्न क्रेडिट फॉर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का और प्रोटोन का किसको गया है जे जे थॉम्पसन को और ई e. गोल्सटीन को यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉम्पसन ने की थी और प्रोटोन की ई गोल्ड स्टीन ने ये पॉइंट्स मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि यहाँ से भी हमें कोई नए आंसर्स मिल जाते हैं जे जे थॉम्सन ने प्रपोज़ किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन अ पॉजिटिव स्फेयर रूदरफोल्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसने डिस्कवरी की अटोमिक न्यूक्लियस की रूदरफोल का जो मॉडल था वो टाइनी न्यूक्लियस उसने डिस्कवर कर लिया इनसाइड द एटम और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं उस स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये मॉडल नील्स बोहर ने एटम्स ज़्यादा सक्सेसफुल इसका स्ट्रक्चर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफरेंट शेल्स में डिस्क्रीट एनर्जी थी न्यूक्लियस में वो इसने एक्सप्लेन कर दी और बताया कि एटम विल बी स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव जे जैडिक जैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे सामने आ गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं प्रोटॉन पॉजिटिवली और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो टू थाउजेंड टाइम्स जो है कम है किससे प्रोटॉन से ठीक है द मास ऑफ प्रोटॉन एट अ न्यूट्रॉन इज टेकन एज वन यूनिट ईच जो शेल्स हैं एटम्स के उनको के एल एम एन नाम दिया गया वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस

आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा थैंक यू फॉर योर पेशेंस थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे